तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी डिस्प्ले पर। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ ट्यूब बडी यूज़ करने का सही तरीका क्या है, ट्यूब बडी क्या है और किन किन चीज़ों की हमें हेल्प मिलती है ट्यूब बडी से। मैं आपको आज कंप्लीट बताने वाला हूँ इस वीडियो में। बेसिकली ब्रदर मैं आपको बता देता हूँ कि ट्यूब बडी एक एक्सटेंशन है जिस पर हम एक ऐसा एक्सटेंशन है जहाँ पर हम चैनल की ग्रोथ देख सकते हैं, हमारी वीडियोस को कितना ग्रोथ मिल रहा है, कितनी अप जा रही है, कितनी डाउन जा रही है, कंप्लीट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं और सब मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको ये स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूं, ये आप देख सकते हैं ट्यूब बडी, यहाँ पर इसके फ्यूचर्स, यहाँ पर कम्युनिटी, प्राइसिंग एंड कंपनी। तो सबसे पहले ये देखो, योर बेस्ट फ्रेंड ऑन रोड टू यूट्यूब सक्सेस, यहाँ पे आपने इन्होंने बहुत अच्छी थॉट लिखी है। और उसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर एडवांस कीवर्ड रिसर्च, मतलब हम यहाँ पर अपने कीवर्ड रिसर्च भी कर सकते हैं और वो भी मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अभी मैं आपको इस एक्सटेंशन को मैं यहाँ इंस्टॉल फ्री ओनली, तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ एड टू क्रोम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सटेंशन ट्यूब बडी, तो मैं एड टू क्रोम कर लेता हूँ इस पर। वाओ, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं जब इसके अंदर आप इसको ऐड कर लेंगे, एड टू क्रोम कर लेंगे, तो आपके पास यहाँ पर ये कुछ ट्यूब बडी साइन इन रिक्वायर्ड क्लिक है, हम इस पर क्लिक करेंगे। इसको साइन इन विद यूट्यूब कर लेना है और हमें किस में इसको अप्लाई करना है, कौन कौन से इसके अंदर चैनल हैं, तो मुझे अपने वाउटेक में करना है, तो मैं वाउटेक पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम इसको अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद आप देख सकते हैं ये यहाँ पर एक्सटेंशन लग चुका, ये देख यहाँ पर ये एक्सटेंशन लग चुका, रेड रेड मार्क यहाँ से रेड टैक्स हट चुका। अब मैं वाउटेक सर्च कर लेता हूँ, टेक सर्च कर लेता हूँ। और सर्च करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सटेंशन खुल चुका है यहाँ पर, और मैं इस पर राइट क्लिक कर देता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा ग्राफ है, टोटल व्यूज़ हैं, ठीक है, 30 डेज के अंदर कितने व्यूज़ आए हैं, कितनी वीडियोज़ मैंने डाली है 30 डेज के अंदर, टोटल वीडियोज़ कितनी हो गई हैं, 109 हो चुकी हैं, एंड व्यूज़ मेरे टोटल कितने हो चुके हैं, 39.4 के व्यूज़ हो चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। और अगर मैं इसकी चैनल्स की कीवर्ड्स की बात करूँ, ये तो हो गया, ये जो पूरा ग्राफ दिखा रहा है कितने व्यूज़ कब मिले हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब ये इस ग्राफ से आप पहचान सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये 30 डेज़ में, मतलब 30 डेज़ में 2.5 के हमें व्यूज़ मिले हैं। एंड यहाँ पर इनके कुछ कीवर्ड्स हैं जो परमानेंटली, मतलब जो रैंक करते ही करते हैं, जैसा टेक्निकल चैनल, वाउटेक, वाउटेक इंडिया, वाउटेक मोहम्मद अली, वाउटेक लाइव, ये जो कीवर्ड्स हैं ये मेरे ऑलवेज रैंक करते रहते हैं, ठीक है। अगर जो हम यहाँ से इनको कॉपी करना चाहें तो यहाँ से कॉपी टू क्लिपबोर्ड, तो यहाँ पे इनको हम कॉपी करके किसी दूसरी जगह पर इनको लगाना चाहते हैं टैग्स में, हम वहाँ पर लगा सकते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एक वीडियो के अंदर, और वीडियो में आपको मैं दिखा देता हूँ कि हमारे कौन कौन से कीवर्ड्स रैंक करते हैं, क्या वीडियो की ग्रोथ है। तो रैंडमली मैं कोई भी यहाँ पर एक वीडियो ले लेता हूँ, चलो ये ले लेते हैं एसईओ वाली, ठीक है। जैसे मैंने ये वीडियो खोली तो आप यहाँ पर मेरे राइट साइड में इसका पूरा पूरा एनालिसिस देख सकते हो। इस पर मेरे को टोटल व्यूज़ जो मिले हैं 10.9 के व्यूज़ मिले हैं, 19 कॉमेंट्स इसके अंदर हैं, 44 लाइक हैं, 5 डिसलाइक हैं, और SEO स्कोर, मतलब कोई इसकी सजेशंस में नहीं है, नहीं तो यहाँ पे 1, 2, 3 इस तरह से आ जाता लिखे, और SEO स्कोर इसका 40% है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे इसने दो चीज़ नहीं है, मतलब इसमें एक तो कमेंट स्पिन नहीं किया हुआ था हमने, अगर जो हम यहाँ पर कमेंट स्पिन कर देते हैं तो ये इस पर भी राइट का निशान लगा देता। हाई रेट थंबनेल, भाई इसमें हाई रेट थंबनेल था यार, ऐसे कैसे हो सकता है ये। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरे कीवर्ड्स हैं जो मैंने अपनी वीडियोस के अंदर लगाए हुए हैं। तो अगर आप भी किसी के कीवर्ड्स जानना चाहते हो कि भाई कौन सा चैनल्स, कितने ही बड़ा चैनल्स हो, कितने कीवर्ड्स लगा रहा है, क्या क्या कीवर्ड्स लगा रहा है, आप आइडियाज लेना चाहते हो, तो भाई यूट्यूब ये ट्यूब बड़ी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ से आइडियाज ले सकते हो और अपनी वीडियो के अंदर भी इसी सेम तरह के आप कीवर्ड्स बना करके आप अपनी वीडियोज के अंदर लगा सकते हो। और अगर चाहते हो कि भाई आप भी ये सेम कीवर्ड्स अपने वीडियो में लगाओ, तो भाई आप यहाँ से कॉपी करके अपनी वीडियो में पेस्ट कर सकते हो। अब इस वीडियो के हम एनालिटिक्स में जाते हैं, एनालिटिक्स में जाकर के मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब हमारे कौन कौन से कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉच टाइम मुझे इससे मिला है 374.7 एंड 10.9 के इस पर व्यूज़ गए हुए हैं अब तक के, ठीक है। और अब इसके मैं डिटेल्स में चला जाता हूँ। डिटेल्स में जाने के बाद अभी मैं यहाँ पर
कीवर्ड्स में चला जाता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं मेरा कौन सा कीवर्ड रैंक कर रहा है, वाउटेक SEO। ये कीवर्ड आप जिस पे ग्रीन ग्रीन ये इस तरह का एक आइकन, इस तरह का एक सर्कल बनकर आ जाएगा, ये समझ लेना कि वो कीवर्ड हमारा रैंक कर रहा है। कीवर्ड रैंक करने का मतलब ये है कि अगर आप वाउटेक SEO डालोगे तो भाई ये वीडियो आपको डेफिनेटली वहाँ पर मिल जाएगी। इसमें देख लेते हैं हमारा कौन सा कीवर्ड रैंक कर रहा है, हाउ टू पार्टिसिपेट इन गिव अवे। इसमें हम कीवर्ड देखते हैं भाई कौन सा रैंक कर रहा है। इसमें हमारा कोई कीवर्ड रैंक नहीं कर रहा, और बाकी चलो एक दो में और देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। इसमें देख लेते हैं हम कीवर्ड्स का, पता चल जाता है ना भाई कौन कौन से कीवर्ड्स हमारे रैंक कर रहे हैं। इसमें ये कीवर्ड्स लगे हुए हैं लेकिन इसके अंदर कोई कीवर्ड्स हमारा रैंक नहीं कर रहा है। ठीक है, जब आप यहाँ पर अपना टैग्स वगैरह लिखोगे ना, हाउ टू वर्क ऑन YouTube, तो आपको नीचे भी आइडियाज़ आ जाते हैं, हाउ टू वर्क ऑन यूट्यूब टू अर्न मनी, हाउ टू वर्क ऑन यूट्यूब चैनल। तो यहाँ से भी आप इसको क्लिक करके इसको टैग्स बना सकते हो। तो यहाँ से भी मतलब ये ट्यूब बडी में ही आता है इस तरह का ऑप्शंस। बाकी आप मतलब इससे बहुत हेल्प मिल जाती है अपनी वीडियो को रैंक कराने के लिए। यहाँ से हम कीवर्ड्स ले सकते हैं किसी दूसरी वीडियो के जो रैंक कर रही है, जिसके मिलियंस में व्यूज़ है, वहाँ से हम अपनी वीडियोज़ को उठा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक्सटेंशन है, आप इसको यूज़ करोगे तो भाई आप भी, हो सकता है आपकी वीडियोज़ भी रैंक करनी शुरू हो जाए, आपके व्यूज़ भी इंक्रीज़ हो जाएँ। ठीक है, तो भाई इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये एक्सटेंशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर, और अभी मैं एक नेक्स्ट भी और भी लाने वाला हूँ VidIQ का, उसका भी मैं आपको कंप्लीट बेनिफिट बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।